यूपी के कौशाम्बी में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। आज सैयद सरावा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष तमजीद अहमद के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। आपको बता दें कि कौशाम्बी जनपद के चायल तहसील क्षेत्र के सैयद सरावा गाँव में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने कहा कि भाजपा कांग्रेस को कमजोर बताकर दुष्प्रचार कर रही है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा धर्म जाति की राजनीति करती आई है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा द्वारा बाबा साहब के संविधान को बदलने की साजिश रचने की बात भी कही। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का एकमात्र तरीका है कि हम देश को मजबूत करें। साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी के लिए कमर कसने की बात कही। इस मौके पर तलत अजीम, हंजला उस्मानी, राम सजीवन, शाहिद सिद्दीकी, खालिद सिद्दीकी, मदनी कुरैशी आदि कांग्रेसी मौजूद रहे। प्रियंका जी का कोई इस तरह फोटो अगर भाजपा के नेताओं के साथ उनके घर जाकर के मिठाई खाते हुए दिखाई, तो संबंध और रिश्ता तो समाजवादी पार्टी का है। इसीलिए उनके जो सबसे बड़े नेता हैं संसद में, उन्होंने बोला कि उनकी दिली ख्वाहिश है, मुलायम सिंह जी ने बोला था ना कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो संबंध तो उनका है। मुलायम सिंह जी के अलावा तो भारतीय राजनीति में जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं कही है। राहुल गांधी ने तो नहीं कहा, प्रियंका जी ने तो नहीं कहा, ना सोनिया जी ने कहा, ना हमारे किसी सांसद विधायक ने संसद में या बाहर कहा कि उनकी दिली इच्छा है कि वो मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये तो झूठ बोलना है, इसको बोलते हैं छेछराई, झूठ भी बोलना और सीना ताप के उसको सही भी साबित करना। तो हर मसले पे अभी आप जानते होंगे योगी आदित्यनाथ जी के जो सबसे करीबी रहे हैं, हिंदू वाहिनी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे सुनील सिंह, जिनका बयान है कि मुसलमानों के कब्रों को खोद करके मुस्लिम महिलाओं की कंकालों के साथ बलात्कार करने का जो उनका आह्वान है मोदी जी के मंच से, उस आदमी को योगी ने निकाल दिया, तो उसको कैच कर लिए योगी अखिलेश यादव जी, उस सुनील सिंह को अपनी पार्टी में लेके आए। अब वो सवाल उठाएंगे कि कांग्रेस और भाजपा एक पहलू के, भैया तुम तो उनके साथ हो, किस मुद्दे पे नहीं हो? अगर आप उनके साथ नहीं होते तो आप सीए के आंदोलन में समर्थन में खड़े होते, जिस तरफ प्रियंका गांधी खड़ी हुई, आप आजमगढ़ जाते, बिजनौर जाते, मुजफ्फरनगर जाते, जिस तरह कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी गई। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों पार्टियों में अध्यक्ष भले अलग अलग हों, खासतौर से इन दो पार्टियों में, लेकिन असली इनके जो गिरोहबाज है वो अमित शाह जी हैं। अमित शाह इसी तरह नहीं बीमार पड़ जाते हैं? अपनी पार्टी के अलावा दो दो तीन तीन पार्टी चलाना मामूली बात है क्या? वो जो कहते हैं, वो जो चाहते हैं, ये लोग ट्वीट करते हैं, वो लोग बोलते हैं। एक जमाने में मुलायम सिंह सड़क पर उतरते थे, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर ट्विटर खेल रहे हैं। किसके कहने पर खेल रहे हैं? ये कोई छिपी हुई बात है क्या? आपका शुभ नाम शाहनवाज आलम, शाहनवाज आलम प्रदेश।